तो आपकी अक्टूबर महीने में जो भी मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। और याद रखिए एमपी स्पेशल का ही करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो साइबर क्राइम, क्या साइबर या साइबर, कई लोग ऐसे साइबर भी लिख देते हैं, साइबर क्राइम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस सबमिट हुई है, एक सबमिट 2021, इसके बारे में याद रखना है आपको, सबमिट 2021। इसमें क्या कहा गया है ये आप देखेंगे, पुलिस अकादमी, पुलिस प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड समिट 2021 का समापन हुआ है। और इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री मंगू लाल भाई पटेल, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, सीबीआई पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला उपस्थित रहे इसमें। और साइबर सुरक्षा कानून का कड़ाई से पालन करने के साथ ही पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया जाना, साथ ही साइबर क्राइम के संबंध में थाना स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का इसके तहत प्रयास किया गया है। और वैसे भी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि साइबर हमले ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप लोग भी, डिजिटल इंडिया की भली बात हो रही हो लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है। भोज, अगली खबर है भोज। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह हुआ है। और भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के 29वें वर्ष में पहली बार स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल साहब सम्मिलित हुए। और इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा निर्देशित दिया गया कि सभी जिलों में सर्वसाधन संपन्न अग्रणी महाविद्यालय और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और विद्यार्थियों को कोर्सों के संबंध में प्रवेश से पूर्व जानकारी देने और करियर गाइडेंस की व्याख्या करने के लिए कहा गया है इसमें, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए कि क्या है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े, वो बेहतर समझ पाए, इसलिए हर विधानसभा में विद्यालय होना चाहिए आपका। गांधी जयंती पर आप देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी को आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है। 2019 के लिए हरिद्वार की संस्था अखिल विश्व गायत्री परिवार और 2020 के लिए उस्मानाबाद की संस्था भट्ट के विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को सम्मान प्रदान किया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान किसे किसे दिया गया है 2019 के लिए। 2019 के लिए आप देखेंगे ये हरिद्वार की संस्था है अखिल, क्या इसका नाम है, अखिल विश्व गायत्री परिवार, और गायत्री परिवार या फैमिली। और 2020 के लिए, ये 2020 के लिए आप देखेंगे कि किसे दिया गया है, यह है भट्ट के विमुक्त उन्माद उस्मानाबाद की ये संस्था है, भट्ट के विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के अंतर्गत प्रत्येक संस्था को 10 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि और सम्मान पट्टिका शॉल व श्रीफल से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। स्वच्छ भारत शहरी योजना, अमृत योजना, शहरी योजना स्वच्छ, इसके बारे में सुने हैं। और आप देखिए इंदौर टॉप पर बना हुआ है, भारत मिशन शहरी योजना। और आप देखेंगे दूसरी कौन से, एंड अमृत योजना,
इसमें क्या कहा जा रहा है, ये आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त करना है। और इसी तरह अमृत मिशन 2.0 का प्रमुख उद्देश्य जल सुरक्षित शहर बनाना है, जिसके अंतर्गत सीवेज का उत्कृष्ट प्रबंधन और नदी तालाब जैसी जल संरचनाओं में जाने वाले गंदे पानी को रोका जा सके। जल जीवन मिशन, और जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में एक सामान्य जानकारी पीछे, जल जीवन, देखिए क्या है कि आप देखिए 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं, और कम से कम अगर आप देखिए पानी के लिए अगर भटकना पड़ रहा है तो विश्व गुरु जो बनने की बात करते हैं ना, उस पर एक तरह से प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। इस मिशन के माध्यम से गांव गांव नल जल योजनाओं के माध्यम से हर घर जल में नल से शुद्ध जल देना सुनिश्चित किया जा रहा है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चले जाइए, बघेलखंड के क्षेत्र में पानी के लिए तरसते हैं लोग, मध्य प्रदेश में भी। जिन ग्रामों में जल स्रोत उपलब्ध नहीं है वहां नवीन जल स्रोत विकसित कर नल जल योजना की शुरुआत की जाएगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जल जीवन मिशन की। और इस मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवंटन धन आवंटित किया जाता है। पैसा मिशन के माध्यम से जून 2020 में से प्रदेश में गाँव के हर घर मिनरल कलेक्शन से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस मिशन अंतर्गत जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, जिसमें ग्रामीणों में जल नल जल योजना में अपनत्व तो बना रहे, लोगों को आराम से मिलता रहे। अगली खबर आपकी है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह का आयोजन। क्या वन प्राणी सप्ताह, ये क्या है? तो इसके बारे में जान लीजिए, राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह के अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित हुए पक्षी दर्शन और प्रकृति शिविर में तकरीबन 65 पक्षी प्रेमियों ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को प्रस्तुत किया है। और आप सभी जानते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है, इसमें गोल्डन ओरियोल, दूधराज एग्रेट, मेग पाई रॉबिन, ब्रॉन्ज विग जकाना, किंगफिशर, ग्रीन बी ईटर, टटहरी, पॉन्ड हेरॉन, रेड मुनिया, आई ओरा, विही स्लिंग, टेल्स कामरोंट, मोर हेन, ड्रोंगो, सिल्वर विल, मुनिया जैसे कई प्रमुख प्रजातियों के भी शामिल हैं। ग्रे फैंसी, कॉमन इवनिंग ब्राउन, प्लेन टाइगर, कॉमन यारो येलो, ब्लू टाइगर, क्रीम सन रोज आदि भी शामिल हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। साथी योजना, क्या साथी योजना, ये आखिर है क्या साथी योजना, इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा। और साथी योजना लागू करने में मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, एमपी फर्स्ट राज्य है। और साथी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। यह परियोजना के किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में लाभदायक सिद्ध होगी। और आप देखेंगे व्यवहारिक रूप से यह योजना किसानों को अधिक लाभ पहुंचाएगी। पैरा में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों के 10 विकास खंडों में लागू होगी। साथ ही योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जिलों गुना, सतना, अशोकनगर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, धार, पन्ना, राजगढ़, सीहोर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, झाबुआ, सीहोर, कटनी, रायसेन, अनूपपुर, सिवनी, देवास, उमरिया सहित दमोह के आप देखिए 100 विकास खंडों हेतु बनाई गई है। इस योजना के 5 घटक साथी, कृषक समूह, साथी प्रसंस्करण केंद्र, साथी उद्योग, साथी बाजार, कॉमन फैसिलिटी सेंटर होंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक स्वामित्व योजना, ये भी आप देख रहे हैं कि काफी चर्चा में रहती है, स्वामित्व योजना, ये क्या है? ये आप देखेंगे कि स्वामित्व योजना को देश के 9 जिन 9 राज्यों में पायलट आधार पर लागू किया गया उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन 3 चरणों में 10 10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से ग्रामों के रहवासी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण, डोर टू डोर सर्वे कर अधिकतर अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। और स्वामित्व योजना के लाभ की बात करें तो ग्राम की रहवासी भूमि में स्वयं का मकान बनाकर निवास करने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। और आबादी भूमि
संबंधी कागजात मिल जाने से कानूनी सहायता आसानी से मिल सकेगी। स्वेच्छा से घर बनाने, अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी। संपत्ति कार्ड हो जाने से बैंक ऋण लेने में आसानी होगी। भूमि संबंधी विवाद भी खत्म हो जाएंगे। जमीन एवं भवन के नामांतरण आसानी से हो सकेंगे, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप लोगों ने एक और योजना के बारे में सुना है, जन कल्याण एवं स्वराज अभियान, कौन सा, इसके भी याद रखिएगा। इसका नाम है क्या है, जन कल्याण एवं स्वराज, स्वराज अभियान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण स्वराज अभियान में अक्टूबर प्रथम सप्ताह में मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम जनसेवा और मोबाइल गवर्नेंस सेवाओं के बारे में बैठक आयोजित की है। प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिन प्रतिदिन की उपयोगी सेवाएं सुगम और सरलता से उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 लगातार 21 दिन तक संचालित यह जन कल्याण और स्वराज अभियान ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की शिक्षा दिशा में अहम भूमिका निभाई है। और लगातार 21 दिन चले इस अभियान में किसान, मजदूर, महिला, असहाय, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम, कर हितग्राहियों को हित लाभ वितरण के साथ अनेक योजना संबंधी लाभ पहुंचाए हैं, तो ये भी याद रखें। जन सुविधाओं को बढ़ावा देने बड़ी ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित, क्या, उप लोक सेवा केंद्र, ये क्या होता है, ये आप देखिए, प्रदेश के नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इसके से, और नागरिकों को खसरा की पीति सिर्फ 10 रुपये पीति पेस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। जो खसरा खरौती आप देखते हैं ना, कि इसका खेती की बात करें, किसानों के लिए एक तरह से आपने देखा होगा। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से मैसेज भेजने से शुरू हो जाएगी। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी, उनके कार्य सुगमता से होंगे, तो ये भी याद रखिएगा। ए और ई, इसके बारे में भी सुना होगा, ई रूपी व्यवस्था और ई वाउचर, ये आप देखेंगे कि के रूप में लागू हुई है प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ई रूपी की व्यवस्था को ई वाउचर के रूप में लागू की गई है। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ई रूपी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जा रहे हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक और है ए चार से, आप देखेंगे 8 अक्टूबर तक आपकी आई, क्या, आई कॉनिक सप्ताह का आयोजन हुआ है। इसमें क्या होता है, सप्ताह, इसमें आप देखेंगे कि ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, ठीक है, पूरे देश में 4 से 10 अक्टूबर तक आइकॉनिक सप्ताह के रूप में मनाया गया। सप्ताह में मध्य प्रदेश में भी पर्यावरण, तालाब संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। प्रदेश की रामसर साइट, भोज वेटलैंड, बड़ा तालाब भोपाल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कॉमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर टैब और रियर मार्किंग प्लेट अनिवार्य होगा। ये क्या है, रिफ्लेक्टर टैब, और एक है आपका, और क्या है, ये है आपकी रियर मार्किंग प्लेट, और बिना मानक गुणवत्ता के रिफ्लेक्टर टैप परावर्ती पट्टिकाओं वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए अब फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे और इस संबंध में लिखित दस्तावेज जारी कर इस प्रक्रिया को पूर्ण कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है और वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलरों द्वारा वाहन पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टैप का सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से भी जनरेट होकर प्रिंट हो सकेगा। और सर्टिफिकेट पर वाहन पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टैप की विस्तृत जानकारी जैसे लंबाई, चौड़ाई, रंग, टैप का निर्माण, वर्ष कोड, निर्माता का नाम, वाहन की जानकारी जैसे वाहन पंजीयन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन श्रेणी, वाहन की बॉडी का प्रकार आदि अंकित रहेगा। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व
आप देखेंगे संबंधित आरटीओ को पोर्टल के माध्यम से रिफ्लेक्टर टैप रेयर मार्केटिंग प्लेट फैक्शन सर्टिफिकेट की जांच करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा। वाहन जांच के समय प्रवर्तन अमला पुलिस सर्टिफिकेट पर अंकित क्यूआर कोड और पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट की जांच कर सर्टिफिकेट की सत्यता जांच कर सकेंगे। और इस प्रकार से किसी भी वाहन पर आमानक स्तर के रिफ्लेक्टर टैप रियर मार्किंग प्लेट लगाया जाना संभव नहीं होगा, जिससे निश्चित रूप से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो ये भी याद रखिएगा। राज्य में वाहनों में नंबर प्लेट संबंधी नई व्यवस्था आई हुई है। तो आप देखेंगे इस व्यवस्था के अंतर्गत वाहन मालिक को पुराने चार पहिया वाहनों के आवंटित नंबर का उपयोग अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे। और इस हेतु वाहन मालिक को पुराने नंबर की दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15,000 रुपये में भी अधिक होगा भुगतान करना होगा। राज्य शासन द्वारा की गई इस नवीन व्यवस्था का सीधा लाभ वीआईपी नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा। यानी कि कहने का मतलब आप सभी जानते हैं, फोर व्हीलर है, उसने आपने पुरानी गाड़ी है उसका आप लोगों ने बड़ा नंबर अच्छा लगता है, तो उसी का नंबर आप लोग अपडेट करवा सकते हैं यहाँ आने वाली गाड़ी में। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया को सरल किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और वैसे तो आपने देखा होगा भ्रष्टाचार इसमें भी चलता है। आपको कोई आप चला पाते हो या नहीं चला पाते हो, बस आप लोग पैसे दे देते हैं तो उसमें भी बन जाता है। फिर आप लोग देखते हैं कहीं लगता है तो आपको सीखनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन और नवीकरणीय अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म एक ई मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। और 1 अप्रैल 2021 के पूर्व उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से जारी किए जाने का प्रावधान भी है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर विद्युत ठेकेदारों के लाइसेंस ऑनलाइन होंगे। अब जो विद्युत ठेकेदार है ना, उनके लाइसेंसों की बात हो रही है। विद्युत ठेकेदारों के दारों की लाइसेंस ऑनलाइन होंगे। क्या होंगे? ऑनलाइन होंगे। तो इस पर भी आप लोग याद रखिएगा, लाइसेंस ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन, ठीक है। और इसमें ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत ठेकेदारों हेतु जाने की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस जारी किए गए हैं। और लाइसेंस जारी किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस व्यवस्था के रूप में ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन माध्यम से वांछित लाइसेंस प्राप्त किए जाएंगे। कार्य की प्रगति की स्थिति से आवेदक को मोबाइल पर SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ई साइन के माध्यम से सभी जानकारी जारी किए जाने की सुविधा होगी। समय सीमा पे प्रकरण का निराकरण ना होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी किए जाने की सुविधा होगी। तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में आप देखेंगे ISSF शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। क्या? शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप तो इसमें देखेंगे ISSF शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयुषी पोद्दार, कौन सी? आयुषी पोद्दार और सुश्री निश्चल, ये आप देखेंगे, और भोपाल की बेटी प्रसिद्ध महंत को सिल्वर मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई दी गई है, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। आईसी पोद्दार और निश्चल। गाड़वार की तुअर दाल और करेड़ी गुड़ ने प्रदेश को मिली नई विशेष पहचान। इसमें आपकी क्या है, एक आप देखेंगे दाल आपकी एक तो शामिल है, कहाँ की है? एक गाड़रवाल की, वाल की ये आप देखेंगे, गाड़र वारा की ये आपकी तुअर दाल है, तुअर दाल। और आप देखेंगे ये आपका गुड़ कहाँ का है? करेली का गुड़।
गुड़, गुड़ तो आप लोग खाते होंगे मीठा। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान में एक जिला एक उत्पाद में गाडर गाडर वारा की तुअर दाल और करेली के गुड़ को मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए सतत प्रयास जारी है। गाडर वारा तुअर दाल अपने सौंधेपन और स्वाद के लिए जानी जाती है। करेली का गुड़ भी स्वाद और सेहत के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। तो ये भी याद रखिए। ऑनलाइन जन सेवाओं का प्रदेश में मध्य प्रदेश में विस्तार, ये आप देखें कि प्रतिवर्ष औसत रूप से 15 से 20 विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश से चुने जाते हैं। प्रदेश में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 38 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सफलता के मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लाखों विद्यार्थी इसमें जुड़ सकेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे सिवनी बालाघाट में, कहाँ सिवनी बालाघाट में, बालाघाट में वर्चुअल कार्यशाला में दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। दिव्यांग जन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के लिए सिवनी बालाघाट जिले के मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों, जिला जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन आयुक्त निःशक्त जन कार्यालय और क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र सरकार एवं साइट सेवर्स के संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। एक आप देखेंगे वन की पारिस्थितिकी है, तंत्र को समझने के लिए अनुभूति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या नाम है यह? अनुभूति। अनुभूति कार्यक्रम, इसके बारे में जान लीजिए। आप देखेंगे कि वन इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के मध्य प्रदेश के 3,20,000 स्कूली छात्रों को शामिल किया जाएगा और पहली बार अशासकीय विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियों को ना लाभ ना हानि के आधार पर शुल्क प्राप्त कर अनुभूति शिविरों से जोड़ा जाएगा। और शासकीय स्कूलों हेतु यह शिविर माह दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर मार्च 2022 तक आयोजित होंगे। और इस कार्यक्रम में वन की पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण, वन संरक्षण, जैव औषधि और वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो ये भी है। चलिए आगे देखिए, राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन। राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन। और राज्य शासन ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के संकल्प के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन किया है और ये परिषद प्रदेश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नवीन परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीतिक सुझाव, मार्गदर्शन, परामर्श और नवाचार को प्रोत्साहन करेगी। और परिषद पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संपदा के संभवनीय उपयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण से संबंधित सतत विकास लक्ष्य के कार्यों की भी जाँच करेगी, तो ये भी याद रखिएगा। अगली खबर है अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित, और हमारे देश के क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, ग्वालियर से संबंध रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास, स्मारक न्यास ये कहाँ बनेगा? ग्वालियर में। आप देखें ग्वालियर में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास का गठन किया जाएगा। वैसे स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनी हालों में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र का विकास के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता का प्रचार प्रसार करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार प्रसार करने हेतु फिल्मों का संग्रहण, दृश्य श्रव्य मल्टीमीडिया संग्रहालय, मुक्ता का मंच, ऑडिटोरियम आदि सुविधाओं का सृजन उनकी बौद्धिक प्रखरता साहित्य के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन, लाडली लक्ष्मी उत्सव ये क्या है, ये आप देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित होगा और बालिकाएं जुड़ेंगी। कार्यक्रम को वेबकास्ट, लिंक, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जनसंपर्क के ट्विटर, फेसबुक पर लाइव और महिला बाल विकास विभाग के सभी सोशल मीडिया यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा।
बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति और स्वास्थ्य के प्रति स्थिति में सुधार लाने, उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 2007, 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ की गई थी। और लाडली लक्ष्मी योजना दो, बेटी ऐसी बेटियां जिन्हें कहीं कोई छोड़ गया, जिनकी को जिनका कोई नहीं है, उन्हें भी लाडली लक्ष्मी माँ माना जाएगा और योजना का लाभ दिया जाएगा। बेटियों के जन्म की संख्या के आधार पर लाडली लक्ष्मी पेंडली ग्राम पंचायत ग्राम घोषित किए जाएंगे। और 18 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक लाडली लक्ष्मी को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, पीएम पीएम गति शक्ति मास्टर, ये क्या है, मास्टर गति, मास्टर गति शक्ति मास्टर प्लान। आप देखेंगे कि यह योजना वर्तमान भारत की नई को गति और शक्ति प्रदान करेगी और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से देश को प्रगति की ओर दिशा मिलेगी। और गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत योजना, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, परियोजनाओं के एक साथ किए जा रहे क्रियान्वयन से रेल और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लेकर आएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी आप देखेंगे एक नियुक्ति हुई है, किनकी हुई है, श्री रवि रवि विजय कुमार मलिमोठ, कुमार मलि ए मोठ, ये आप देखेंगे, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश उच्च मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में श्री रवि विजय कुमार मलि मठ को नियुक्त किया गया। राज्यपाल श्री गंगू भाई जो पटेल हैं, मनु भाई पटेल, या इन्होंने शपथ दिलाई हुई है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ना, जनजाति पारंपरिक भोजन जायका की शुरुआत की गई है, जायका। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने, देखिए, भारत भ्रमण के नाम से जो आपका प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, इसमें देखिएगा, हम लोग यहाँ घूमने भी गए हुए थे, जब भोपाल गए हुए थे, तो देखिए जब भी टाइम मिलता है तो इस तरह की जगहों पर जाता हूँ, तो उनके बारे में आप लोगों को बताता भी हूँ। जायका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल द्वारा संग्रहालय भ्रमण पर आने वाले दर्शकों की मांग पर भील जनजाति के पारंपरिक भोजन कार्यक्रम जायका की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति का पारंपरिक भोजन मक्का की रोटी, बैंगन का भुर्ता, धनिया, लहसुन की चटनी, गुड़ आदि पारंपरिक व्यंजनों की उपलब्धता होती है। मक्के की रोटी में फाइबर होता है जो पाचन संबंधी समस्याओं से राहत में मदद देता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथ ही फाइबर युक्त आहार लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। और मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के मकान हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं कि अपना घर हो, मकान हो, तो प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 21,05,000 आवास बनाए जा चुके हैं। वर्तमान की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैंगा सहरिया और भारिया हेतु विशेष परियोजना अंतर्गत आवास गृह प्रदान किए गए हैं। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हर गरीब परिवारों को भूमि का पट्टा और पात्रता अनुसार आवास निर्माण की राशि दी जाएगी। आवास निर्माण की अवधि राष्ट्रीय स्तर पर 114 दिवस है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अच्छी गति के साथ आवास निर्माण के कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। और एक और बात बता दूं, देखिए एक और प्रॉब्लम यह है कि भ्रष्टाचार, आप देखिए कि इन पंचायतों में आप देखते हैं कि इसमें भी जो प्रधानमंत्री आवास है, इसमें इतना भ्रष्टाचार चलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं उनसे आधा पैसा तो यही लूट लेते हैं सरपंच सचिव। अगली योजना आपका पुरस्कार है जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार। ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 20 अक्टूबर को जीव दया सम्मान पुरस्कार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आचार्य श्री विद्या सागर उपस्थित रहे हैं। और इस कार्यक्रम में प्रदेश की उत्कृष्ट और गौशालाओं, पशुओं के प्रति सेवा भाव संस्थानों और व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। ये संस्था श्रेणी में 7 पुरस्कार दिए गए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ आप देखेंगे 4 संतावना पुरस्कार दिए जाने के, जिनमें राशि क्रमशः 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000 रुपये हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1 लाख, 50,000, 20,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है, तो ये भी याद रखिएगा।
सर आप देखेंगे अगली खबर है आपकी, विदेश में इंदौर ज्यादा चर्चा में रहता है और एमपीपीएससी की कोचिंग के लिए भी तो इंदौर है टॉप। विदेश के इंदौर शहर में ट्रांसमिशन सिस्टम में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का प्रयोग। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने विदेश के इंदौर शहर में पहली बार ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है। इंदौर ईस्ट स्थित 220 केवी सब स्टेशन बिचौली में ट्रांसमिशन कंपनी ने 50 MVA क्षमता का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है और इसमें हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का प्रयोग विदेश में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। विदेश में पहली बार इंदौर में कम जगह पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है और सब स्टेशन में अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेने वाले सिस्टम को 33 KV वोल्टेज लेवल पर अंडरग्राउंड इंसुलेटेड केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार 33 KV के मेन सिस्टम के लिए इस तरह की उच्च क्षमता की इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया गया है। सब स्टेशन के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए यह मॉडल लचीलीपन और अनुकूलन क्षमता पर आधारित है और हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किसी पारंपरिक सब स्टेशन में विस्तार या बदलाव के लिए किया जा सकता है। इसमें एयर इंसुलेटेड स्विच गियर और अत्याधुनिक विद्युत प्रतिरोधक क्षमता वाली सल्फर हेक्सा फ्लोराइड आधारित गैस स्विच गियर की तकनीक वाले उपकरण को एक ही मॉडल के माध्यम से आप देखेंगे उपयोग में लाया जाता है। यह हाइब्रिड तकनीक सब स्टेशनों में उपयोग होने वाली जगह में 50% तक कमी लाता है जो कि नई स्थापना विस्तारीकरण के लिए सही और विश्वसनीय लागत है। और आप देखेंगे आने वाले समय मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ऐसे अनेक जरूरतमंद सब स्टेशनों में उपयोग किया जाएगा और इससे घनी आबादी में स्थापित सब स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति का एक और विकल्प हो सकेगा। विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक मासिक की खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपये का दिए जाने और अनुसूचित जाति जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है से मात्र 25 रुपये प्रति माह की मान से 4 माह में 100 रुपये लिए जाने का प्रावधान रखा गया है और 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता को 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष की प्लेट दर से दे होगी और 10 हॉर्स पावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं से 1500 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष की प्लेट दर दे होंगे और 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्स पावर तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी। उच्च दबाव उद्वहन समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा व्यवहार और वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी। तो ये भी है। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये भी काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, आपके द्वार द्वार ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम में गांव से राशन सामग्री वितरण की योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार प्रारंभ की गई है और यह योजना उपचुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकास खंडों में माह नवम्बर 2021 से लागू की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 16 जिलों के 74 विकास खंडों में 7,511 ग्राम के जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा और एक वाहन द्वारा एक माह में औसतन 20 से 25 दिवस अवकाश छोड़कर 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कठपुतली, कठपुतली कला पर आधारित पुतुल पुतुल समारोह। ये क्या है? पुतुल समारोह समारोह ये आप देखिए मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में, कहाँ? भोपाल में। आप देखेंगे कि कला की विविध शैलियों पर 4 दिवसीय एकाग्र पुतुल समारोह 20 से आप देखेंगे 24 अक्टूबर 2021 का आयोजन हुआ है और पुतुल समारोह में कठपुतली के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों तथा एवं कथा कहानियों को दिखाया गया है। वर्तमान समय में इस कला में समकालीन विषयों को भी आधार रूप में ग्रहण किया गया है जिससे युवा पीढ़ी को सदियों से चली आ रही इस विधा और इसके माध्यम से जीवन मूल्यों को संरक्षित करने की विधि को बताया जा सके। शासकीय सेवा सेवकों और स्थायी कर्मियों की वो जो देय महंगाई भत्ते की दर में 8% की वृद्धि हुई है, कितना? 8%।
वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर अक्टूबर 2021 से 8% की वृद्धि दर की गई है और महंगाई भत्ता दर में 8% की वृद्धि 7वें वेतन अनुसार 20% महंगाई भत्ता के रूप में देय होगी। जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त का भुगतान नवंबर 2021 में होगा, दूसरी किस्त का भुगतान मार्च 2022 में होगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगली खबर है भारतीय, क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या गया, आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्राथमिक माध्यमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य ढांचे और मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ नागरिकों को सरल, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मिशन में संपूर्ण देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उच्च स्तर बनाया जा सकेगा और साथ ही समाज के सभी वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। सीएम राइज योजना, ये क्या है? सीएम राइज योजना ये क्या कह रहा है? ये आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम में सुधार करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए स्कूल को सक्षम बनाना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रदेश में 9,200 सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे, जिसके लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हेतु व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, जिसमें शिक्षा के साथ विद्यार्थी आर्थिक समझ विकसित कर सकेंगे। फिर आप देखेंगे एक और योजना है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, आवासीय भू अधिकार योजना। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आवासीय आवास भूखंड नहीं है, उन्हें सरकार रहने के लिए निःशुल्क प्लांट उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटन की दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेहरवासी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने हेतु भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर होगा और वर्ग मीटर। और आप देखेंगे परिवार से आशय पति पत्नी तथा उसके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों। आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा और भू अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को पति पत्नी के संयुक्त नाम के साथ उपलब्ध आधार पर भूस्वामी अधिकार पत्र दिए जाएंगे। वैसे योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए मकान है या परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है। और आप देखेंगे जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है वो भी इसके पात्र नहीं होंगे। यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो वो भी इसके पात्र नहीं होगा। यदि अभी तक ऐसे ग्राम का आवासीय भूखंड चाहता है जहां उसका नाम जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, ये तो बहुत पहले से, अगर आप कोई मुद्रा योजना बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके तहत लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत लोगों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना में वाणिज्य बैंक, RBI, MFI, NBFC और लघु वित्त बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर जिला ब्लॉक स्तर पर बैंकों द्वारा 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिर आप देखेंगे आपकी राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय
आयुर्वेद, आयुर्वेद दिवस। ये आपको बता दूं कि देखिए केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने धनवंतरी जयंती धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में एक तरह से मनाने की बात हुई है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और धनवंतरी जयंती के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद रूप में मनाने की बात हुई है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयोजन की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी। इस बार के बाद 2 नवंबर धनतेरस तक प्रदेश भर में आयुर्वेद दिवस से संबंधित कार्यक्रम होंगे। एक संभल योजना ये भी कई बार चर्चा में रहती है, ये क्या सी है संभल योजना। एक क्या होता है इसमें, ये आप देखेंगे संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि के 7,700 प्रकरणों में 170 करोड़ रुपए की राशि संबल हितग्राहियों के खाते में जमा की गई है। इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः मृत्यु दर पर 2 लाख रुपए की राशि देने, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुई थी, ये भी याद रखिएगा ठीक है। और संबल योजना में हितग्राही उसके परिवार के सदस्यों को आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी अपंगता पर आप देखें 2 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। मनरेगा आप लोगों ने सुना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा। देखिए आप लोग बहुत ग्राम गांव की क्षेत्र में आप लोग मनरेगा कार्ड भी बनवाते होंगे। कोविड महामारी के दौरान देश में 18 लाख से अधिक नवीन जॉब कार्ड जारी किए गए और इस वित्तीय वर्ष में माह सितंबर तक 76 लाख से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है, आपका एमपी टॉप है। और आप देखिए आप सचिव और सरपंच के पास जाकर अपने यहाँ कार्ड बनवा सकते हैं। और क्या रहे कि हमारे यहाँ जागरूकता कम है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें क्या बात की गई है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस मिशन के अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रदेश में कि 52 जिलों के 45,135 ग्रामों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। मिशन के माध्यम से करीब 53,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण तथा 2,86,000 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत लगभग 2,04,000 से ज्यादा ग्रामीणों को स्वरोजगार शुरू करने के हेतु ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जा रहा है, तो ये भी है। स्वच्छ भारत मिशन, इसमें आप देखेंगे स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में लगभग 1,12,613 व्यक्ति पारिवारिक शौचालय और 1,990 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 1,930 ग्रामों में घर घर कचरा इकट्ठा करने का कार्य और 15,445 सामुदायिक कंपोस्टिंग के कार्य किए गए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य था गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले में शौच मुक्त हो, शौच शौच नहीं शौच मुक्त हो। और आपको मालूम होगा कि आपके गेट गेट पर इसके तहत आपने देखा है कि कौन आता है, गाड़ियां आती हैं कचरा उठा के ले जाती हैं, तो भी तो ये अक्टूबर महीने की आपकी जो भी घटनाएं थी वो घट गई, उनके बारे में आप लोगों ने जान लिया है। अब नवंबर महीने की बात कर लेते हैं। नवंबर 2021 में जो आपकी मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश में स्थापना समारोह दिवस मनाया गया, एमपी का स्थापना दिवस ठीक है। ये आप देखेंगे आप सभी को मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था और 1 नवंबर को सभी को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में। और अब आगे चल के आप देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 में सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से ठीक है। तो आप देखेंगे 66वां ये मनाया गया है, कौन सा 66वां। और 66वां स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश उत्सव के रूप में मनाया गया है। सीएम राइज स्कूल का संचालन किया जाएगा जिनमें लैब कंप्यूटर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। समारोह में 2 नई योजनाओं के बारे में बताया गया जिनमें से एक कुसुम योजना है और एक उद्यम आप देखेंगे क्रांति योजना है। कुसुम योजना के बारे में बात कर लेते हैं,
कुसुम योजना, इसमें क्या कहा गया? ये आप देखेंगे, इस योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट के पावर प्लांट स्थापित करने हेतु स्थानीय निकायों की सहायता की जाएगी और इन निकायों द्वारा उत्पादित बिजली को खरीदने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और इसमें आप देखेंगे कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्यम क्या उद्यम क्रांति योजना। और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार स्थापित करने हेतु 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। और आयु आवेदकों को आप देखें 18 साल से 40 वर्ष तक, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा होनी चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इन योजनाओं के बारे में युवाओं को मालूम नहीं रहता है, वरना आप सोचिए वो तो और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, जो आप देखिए जिन्हें रोजगार मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। बुधनी, अगली खबर है बुधनी कला महोत्सव। कला महोत्सव, ये इसमें क्या कहा जा रहा है? ये आप देखेंगे बुधनी की काष्ठ कला को प्रोत्साहन देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हुआ है। फिर अगली खबर है, आप देखेंगे सौर ऊर्जा अभियान। इसमें क्या कहा जा रहा है? आप देखेंगे कि प्रदेश में सौर ऊर्जा अभियान के अंतर्गत ऊर्जा साक्षरता अभियान में जागरूकता, सूचना संप्रेषण, ऊर्जा बचाने के तरीकों के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन को 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को लंदन में, कहाँ? लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ परियोजना मध्य प्रदेश को, तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि इस श्रेणी में मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर, क्या जोनल स्तर पर आप देखेंगे क्या मिला है कि जोन इस श्रेणी में मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार 2021 के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को दिया गया। एक अन्य श्रेणी पर्यटन में विविधता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन का पुरस्कार है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी कि जो मध्य प्रदेश है ना, इस स्वच्छता में आप देखेंगे अग्रणी है। किसमें? स्वच्छता के मामले में, और विकास और स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। और इसमें आप देखेंगे इंदौर, क्या इंदौर, और ये आप देख रहे हैं स्वच्छता की जो रैंकिंग आती है उसमें भी टॉप पर बना हुआ है। इंदौर देश का पहला वाटर फ्लस शहर होने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भी चौथी बार देश में सबसे अच्छा इसका स्थान रहा है। और स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में कुल 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या है? याद रखना ही पड़ेगा, उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुआ है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप मध्य प्रदेश को रजत पदक जीता है। सर्बिया गणराज्य में 1 से 7 नवंबर तक आयोजित हुई थी। और छिंदवाड़ा जिले के ग्राम उमरेट की निवासी सुश्री ए हैं शिवानी ने, क्या इनका नाम है? शिवानी। शिवानी ने आप देखेंगे कि 50 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल की है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है आपका आगर मालवा जिले के सालरिया गौ अभ्यारण्य देश के आदर्श अभ्यारण्य के रूप में विकसित हुआ है। ये कहाँ? मालवा, आगर मालवा आप लोगों ने सुना है, आगर मालवा उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि आगर मालवा जिले के सालरिया, क्या सालरिया, सालरिया सालरिया गौ अभ्यारण्य को देश के आदर्श के रूप में विकसित कर भारत का सबसे गौ अभ्यारण्य बनाया। प्रदेश की 06 गौशालाओं को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश को जबलपुर जिले के गंगईवीर में गौवंश वन विहार स्थापित है। फिर आपके पद्म पुरस्कार देख लीजिए, क्या
पद्म पुरस्कार 2021-22 इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें आप देखेंगे 2020 हेतु पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को, सुषमा स्वराज के बारे में सुने हैं आप लोग? सुषमा स्वराज अच्छी एक पॉलिटिशियन थे, स्वराज को मरने के बाद दिया गया है इन्हें ये पद्म विभूषण दिया गया है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और 2021 हेतु पूर्व सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण, भोपाल के श्री कपिल तिवारी को मध्य प्रदेश के लोक कलाओं के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान देने, और जनजातीय चित्रकार बहन भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। भोपाल के श्री अब्दुल जब्बार खान को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2020 से उन्हें मरने के बाद दिया गया है। इंदौर के श्री पुरुषोत्तम दधीच को कला के क्षेत्र में कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए पद्मश्री 2020 दिया गया है। रतलाम की डॉक्टर सुश्री लीला जोशी को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। भोपाल के कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे आपका जनजातीय वर्ग कल्याण हेतु मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति में आप देखते हैं, जनजाति कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.0% के करीब है। एक बड़ी जनसंख्या आप देखते हैं कि यहाँ निवास करती है जनजातियों की। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति कल्याण हेतु तमाम योजनाएं लाई जाती हैं। इसमें देखेंगे आप लोग आहार, क्या आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना, और इसमें आप देखेंगे यह योजना पिछड़ी पिछड़ी जनजाति संबंधित 15 जिलों में संचालित की जा रही है। और इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति जिनमें बैगा हो गया, भारिया हो गया, सहरिया हो गया, परिवारों को महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमास 1,000 रुपये की राशि जमा की जाती है। आकांक्षा योजना, क्या आकांक्षा या योजना, ये क्या कहती है? ये कहती है आपकी कि क्या कहती है? इसमें आप देखेंगे कि आपका इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेजेई और नीट क्लेट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रावास की व्यवस्था की जाती है। प्रतिभा योजना, इसमें क्या बात हो रही है? प्रतिभा योजना, ये आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इस योजना में जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोचिंग प्रोत्साहन, ये भी मध्य प्रदेश की है। इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सेवा परीक्षा में निजी संस्थानों को द्वारा कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जनजातीय महिलाओं द्वारा आजीविका एक्सप्रेस का संचालन गुना जिले में, कहाँ? गुना जिले में, गुना से उत्तरी आप लोग सुने हैं। गुना जिले में आप देखेंगे कि बामोरी विकासखंड के सिमरौद ग्राम पंचायत के ग्राम गागर खेड़ा की पटियाली जनजाति की महिलाओं ने आजीविका हेतु अभिनय पहल की है, और बिशनवाड़ा से गुना तक 11 सीटर आजीविका एक्सप्रेस चलाती हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, और आज देखिए आज पुरुषों से आगे निकल गई हैं, बस उन्हें मौका तो दीजिए आप लोग। महिला स्वयं सहायता समूहों के व्यापार संवर्धन के लिए व्यापार केंद्र प्रारंभ, प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों के व्यापार संवर्धन के लिए व्यापार केंद्र खोला जाएगा, जो महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादन की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, विक्रय आदि के क्षेत्र में उनकी सहायता करेगा। और इसके माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे, ये भी याद रखिये। द्रौपद का राष्ट्रीय समारोह प्रति वर्ष ग्वालियर में आयोजित होता है, किसका? द्रौपद का, ये भी याद रखिएगा। द्रौपद ये कहां? ग्वालियर में होता है। इसमें आप देखेंगे कि द्रौपद समारोह 13 से 15 नवंबर 2021 के मध्य ग्वालियर के टाउन हॉल में हुआ है, और तानसेन की जन्मस्थली होने के साथ साथ ग्वालियर में अनेक ख्याति प्राप्त नाम संगीतकार हुए हैं, जहां धारा बीजू बावरा की साधना स्थली भी है। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इनका क्या नाम है? विवेक सागर। और आपको बता दूं ये किससे जुड़े हुए? हॉकी से जुड़े हुए हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य श्री विवेक सागर को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई, किसके? एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इसमें आप देखेंगे अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे? राजेश
लाल बोहरा है, मेहरा है, मेहरा को ठीक है अध्यक्ष बनाया गया एमपीपीएससी का। और डॉक्टर किसने, कृष्णकांत शर्मा प्राध्यापक गणित को सदस्य के रूप में पद पर नियुक्त किया गया है। किसे, किसने, कांत शर्मा को ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा एमपीपीएससी के लिए, आप देख रहे हैं तैयारी करते हैं तो आपसे कई लोग आपका जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं आपसे। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को आप देखेंगे गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। कौन सा, गोल्ड स्कॉच, स्कॉच अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिएगा ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित ऑनलाइन 75वें स्कॉच समिट में पर्यटन बोर्ड को टूरिज्म एंड कल्चर सेगमेंट में बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में पर्यटन स्थलों को महिलाओं के हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल के लिए निर्भया योजना शुरू की गई है, तो ये भी याद रखिए। निर्भया, निर्भया योजना किससे संबंधित है, प्रदेश में पर्यटन स्थलों को महिलाओं के हेतु सुरक्षित पर्यटन के रूप में ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये आप देखेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश दिवस का आयोजन भी हुआ दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में 18 नवंबर को, कब, 18 नवंबर को आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन हुआ है। इस मुख्य रूप से बैगा, परधोनी, लोक नृत्य, बुंदेलखंडी, मार्शल आर्ट, अखाड़ा की प्रस्तुति भी की गई है। आप देखेंगे राष्ट्रीय तुलसी, क्या पुरस्कारों की बात हो रही है, राष्ट्रीय तुलसी एवं आप देखेंगे और अहिल देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्या वाई सम्मान, ये आप देखेंगे कि घोषित किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 20 तक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, 2019-20 के राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की घोषणा की गई है। और 2017 के सम्मान जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार श्री कैलाश चंद्र शर्मा को, और 2018 का सम्मान राजनांदगांव के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री विक्रम यादव को, 2019 का सम्मान रायपुर के ख्यात कबीर गायक को और भारती बंधु को, और 2020 का सम्मान तिलक राम पेंद्राम को दिया गया है। तो देखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्या, और वर्ष 2019 का यह सम्मान किसे, जनजातीय कलाकार श्री शांति बाई मरावी को, और 2020 का सम्मान लखनऊ की अवैध बुंदेलखंड शैली की सुविख्यात लोक गायिका सुश्री मालिनी अवस्थी को दिया गया है, तो भी याद रखिएगा। तो तुलसी देखिए सबसे पहले आप लोग देवी अहिल्या किसे तुलसी सम्मान के बारे में जान लीजिए आप लोग ठीक है। देखिए 2017 की अगर हम लोग बात करें तो ये किसे दिया गया है 2017 के लिए, एक कैलाश चंद्र शर्मा है ठीक है, कैलाश चंद्र शर्मा इन्हें मिला है। ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आप देखेंगे कि आपके जयपुर के हैं, सुप्रतिष्ठित चित्रकार हैं। 2018 की बात करें तो ये आप देखेंगे कि राजनांदगांव के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित बांसुरी वादक हैं विक्रम यादव, विक्रम यादव। और 2019 के लिए, 2019 के लिए आप देखेंगे किसे मिला है, ये सम्मान रायपुर के ख्यात कबीर गायक हैं डॉक्टर भारती बंधु, भारती बंधु। और 2020 के लिए, 2020 के लिए आप देखेंगे कि ये सम्मान तिलक राम को दिया गया है, इनका पूरा नाम तिलक राम पेंद्राम ठीक है। और वहीं अगर हम लोग 2019 का आपका देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की बात करें तो इस जनजातीय कलाकार हैं शांति बाई, इन्हें दिया गया है शांति बाई ठीक है। और 2020 का अगर हम लोग देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की बात करें तो ये आप देखेंगे लखनऊ की अवधी, भोजपुरी और बुंदेलखंडी शैली की सुविख्यात लोक गायिका है मालिनी अवस्थी है, क्या नाम है, मालिनी अवस्थी। चलिए ये भी याद रखिएगा आप लोग, छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्या है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पुरस्कारों से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है और बहुत पूछता है। अब 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है, कौन सा, 40वां,
तो ये भी याद रखिएगा। प्रगति मैदान दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञान के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहन की मध्य प्रदेश की योजनाओं को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रदर्शित किया है। तो ये भी याद रखिए। जल महोत्सव, क्या जल महोत्सव? आप देखेंगे कि छठे संस्करण का आयोजन हुआ है। खंडवा के हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव के छठवें संस्करण का आयोजन हुआ है। ये 20 जनवरी 2022 तक चलेगा, 2 माह तक। और जल महोत्सव में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए इंदौर से हनुवंतिया आने वाले दो हेतु 2 माह तक प्रतिदिन बस का संचालन भी होगा। भोपाल मेट्रो के बारे में जान लीजिए। भोपाल में मेट्रो चल रहेगी ना, मेट्रो सिटी, मेट्रो 10 भी चलेगी। आप लोग बताइए, मेट्रो सबसे पहले किस शहर में चली थी भारत के? ये आपसे क्वेश्चन है। भोपाल शहर को हरित भोपाल, स्वच्छ भोपाल, हाईटेक भोपाल के साथ मेट्रो सिटी भोपाल भी कह सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लास रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेल स्टेशन का पुराना नाम उद्घाटन किया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, जिसे हबीबगंज स्टेशन कहते थे ना आप लोग, उसे अब रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के नाम से जानने लगे हैं। मेट्रो रेल परियोजना, मेट्रो रेल परियोजना, इसमें क्या परियोजना, इसमें क्या कहा जा रहा है? ये आप देखिए, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल और इंदौर में परियोजना पर कार्य कर रहा है। और भोपाल में एम्स से करौन चौराहा और भदभदा चौराहा से रत्नागिरी चौराहा के मध्य 2 मेट्रो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। भोपाल में एम्स से करौंद चौराहा और आप देखें दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी चौराहे के बीच, और 2 कॉरिडोर में एक पर्पल कॉरिडोर जिसकी लंबाई आप देखेंगे, लंबाई वन आपकी 16.74 किलोमीटर, और दूसरे कॉरिडोर की लंबाई आप देखेंगे कि 14.21 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भूमिगत एलिवेटेड मेट्रो पर्सल पर्पल कॉरिडोर भी बनेगा। रेल कॉरिडोर में 14 और पर्पल कॉरिडोर में आपके 16 स्टेशन होंगे। स्वचालित किराया संग्रह की व्यवस्था भी होगी। और स्वच्छ सर्वेक्षण आपके 2021 के आंकड़े आए हुए हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें आप देखेंगे इंदौर आपका टॉप है 2021, 2021। तो ये भी याद रखिए, इंदौर आपका लगातार टॉप पर बना हुआ है। देखिए एक बार और है, टॉप पर, अपने आप को टॉप पर बनाए रखना, पहली बार पहुंचना आसान होता है, हो सकता है, लेकिन हमेशा उस टॉप पर बनाए रखना बड़ी बात होती है। 5वीं देश में स्वच्छता में प्रथम रहा है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में इंदौर को सफाई में तो सुरक्षा चैलेंज और देश के सबसे स्वच्छ शहरों का अवार्ड जीता है। और वर्ष 2021 के स्वच्छता समारोह में मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में देश के 20 टॉप शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। इसमें इंदौर को मध्य प्रथम, भोपाल को 7वां, ग्वालियर को 15वां और जबलपुर को 20वां मिला है। और मध्य प्रदेश को नगरीय निकाय और विभिन्न स्वच्छता प्रक्रियाओं के पालन के लिए तृतीय स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर प्रदेश के 6 शहर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, बड़वाहा और पचमढ़ी कैंट उत्कृष्ट अवार्ड की श्रेणी में सम्मानित हुए। तो ये भी याद रखिएगा। गौरव दिवस आयोजन, ये आप देखेंगे कि भोपाल से आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। इसके साथ ही गांव में ही उचित मूल राशन वाहनों के माध्यम से वितरित करने हेतु 89 जनजातीय विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। एक और आपकी योजना है वेगा योजना की डिजिटल शुरुआत। ये आप देखेंगे, वेगा समुदाय के सभी व्यक्तियों का घर घर सर्वेक्षण कर उन्हें शासन संबंधी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बिजली से संबंधित बिलों का भुगतान हेतु समाधान योजना भी, ये आप देखिए किससे संबंधित है समाधान योजना, बिजली के जो बिलों की बात होती है ना उससे। ये आप देखेंगे कोरोना संकट में आर्थिक बिजली समस्याओं के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना प्रारंभ की गई। और फिर आप देखेंगे राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी के लिए 15 जनवरी तक कलाकृतियां आवंटित की बात की गई। मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2022 का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन संगीत खां संगीत और कला अकादमी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रूपंकर एवं ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए 15 जनवरी 2020 तक कलाकृतियां आवंटित की गई हैं। पुरस्कार की राशि 51,000 रुपये रखी गई है। तो इनमें भी भाग लेते रहा करिएगा। बालाघाट
को उत्कृष्ट मत्स्य पालन पुरस्कार मिला है? किसी बालाघाट को, एक जिला है ना बालाघाट मध्य प्रदेश का। तो विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित एक कार्यक्रम में बालाघाट जिले को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार स्वरूप जिले को 3 लाख रुपए और मोमेंटो प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, ये पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर क्रांति टंड्या भील कर दिया गया। अब नया नाम क्या है? अमर क्रांतिकारी टंट्या भील, ठीक है, होगा। ये आप देखेंगे कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन को टंट्या ये भील रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना, बुधनी के काष्ठ खिलौने इसमें शामिल हैं। क्या? बुधनी के, बुधनी भी एक जिला है, काष्ठ खिलौने। ये आप देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के बुधनी के काष्ठ खिलौनों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसकी खिलौनाकारी के नाम से ब्रांडिंग की जा रही है। फिर आप देखिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। इस योजना के तहत भूमिहीनों को भूखंड प्रदान किया जाएगा। समय सीमा निर्धारित कर चिन्हित पट्टे आवेदकों को सामूहिक रूप से पट्टे दिए जाएंगे। खजुराहो आप देखेंगे, अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है। क्या? खजुराहो, खजुराहो आवासीय भू अधिकार, क्या खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय आपका आवासीय भू अधिकार योजना फिल्म फेस्टिवल। इस योजना के बारे में याद रखिए, पूछे जाने की संभावना लग रही, बार बार मुंह से निकल रहा है फेस्टिवल, ठीक है। ये आप देखेंगे खजुराहो, आप सभी जानते हैं कहाँ है, छतरपुर जिले में पड़ता है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभक्ति थीम पर आधारित 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। विख्यात निर्देशक शेखर कपूर ने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए टेम्पल टाइगर एंड टपरा टॉकीज टैग लाइन दी है। टेम्पल टाइगर एंड टपरा टाकीज, ठीक है। सांची, ये ग्रीन सिटी, सांची आप लोग गए हो? सांची ग्रीन सिटी, ये आप देखें क्या, ये विश्व धरोहर स्थल सांची को पूर्ण रूप से ग्रीन सिटी में विकसित किया गया जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव आए हुए हैं। लिंगानुपात 2020-21 में प्रति 1000 बेटों पर 956 बेटियां तक पहुंच गया है, और 2015-16 में यह संख्या 927 थी। अति गंभीर कुपोषण में आप देखेंगे 29.3% की कमी हुई है। प्रदेश मध्य प्रदेश को 30वें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया है, और मध्य प्रदेश में अति गंभीर कुपोषणों में 29.3% की गिरावट दर्ज की गई है। दुबलेपन में प्रदेश अन्य राज्यों के में सुधार के क्रम में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश 26.4% हुआ है, यहाँ पूर्व में ये 23वें स्थान पर था, जो अब 24वें स्थान पर आ गया है। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं और आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि एक तरह से जो 17वें स्थान पर आ गया मध्य प्रदेश गंभीर कुपोषण में, पहले 30वें नंबर पर था, और आप देखेंगे कि दुबलेपन में पहले 32वें नंबर पर था, अब आपका 24वें नंबर पर आ गया। तो सुझाव तो हुआ है, ठीक है। सौर ऊर्जा की दिशा में विस्तार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के विकास में पहल की जा रही है और विस्तार का प्रयास लगातार किया जा रहा है। 1500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क जल्दी कार्य करने लगेंगे। खेल से जुड़े हुए कुछ देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी दिव्यांग सत्येंद्र सिंह, इनका नाम आप देखें काफी रहा है, सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह इनका पूरा नाम क्या है? सतेंद्र सिंह लोहिया, क्या लोहिया। आप देखेंगे कि 36 किलोमीटर लंबे अरब सागर के दुर्गम चैनल को इन्होंने पार किया है। दिव्यांग है और इन्होंने रोमांचक सफर 10 घंटे 3 मिनट में पूरा किया है, और इनका संबंध भिंड जिले से है, भिंड जिले के ग्राम गाता के मूल निवासी हैं। इससे पहले वह अमेरिका के कैटरीना चैनल को सिर्फ आप देखेंगे कि आपका 11 घंटे 34 मिनट में तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई दिव्यांग तैराक बने हैं। खेल युवा कल्याण विभाग और भारतीय रक्षा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की संयुक्त तत्वाधान में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी बैसनखेड़ी गोरेगांव भोपाल में किया गया है। कहाँ? भोपाल में, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी गोरेगांव भोपाल में 36.16 एकड़ भूमि पर स्थापित की गई है। यह विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और इसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के रूप में विकसित
किया गया है। 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण की बात हुई है, कितने? 6 चिकित्सा विद्यालय। तो ये आप कहाँ कहाँ देखेंगे? ये आप देखेंगे मंडला हो गया, सिंगरौली हो गया, शिवपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई। मंडला, सिंगरौली, शिवपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर। सीमेंट को स्वतंत्र इकाई बनाया जाएगा। सीमेंट मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान को प्रशासन अकादमी से पृथक कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। सीमेंट में स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन से जुड़े जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2017 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2017 क्रमांक 26 वर्ष 2017 के संबंध में केंद्रीय अधिनियम दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 क्रमांक 22 सन 2018 अधिनियमित होने के फलस्वरूप उक्त रक्षित विधेयक वापस लिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। चावल गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहन। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता उन्नयन तथा मूल्य संवर्धन हेतु धान मिलों में तकनीकी उन्नयन व अंतर्गत धान मिलिंग का कार्य करने वाली इकाइयों को सार्टेक्स प्लांट स्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन किया गया है। इससे चावल की उच्च गुणवत्ता प्राप्त होगी और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। ऊर्जा सरल साक्षरता में नई पहल। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और बिजली की बर्बादी रोकने हेतु ऊर्जा साक्षरता अभियान उषा के रूप में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पहले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश ने की है। 6 महीनों में आप देखेंगे 50 लाख नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनसाधारण सहित स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को ऊर्जा की महत्ता, पारंपरिक ऊर्जा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन, सौर पवन, बायोमास आदि हरित ऊर्जा के लाभ और मितव्ययता आदि की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो इसमें एक कुल मिलाकर आपका नवंबर महीने की जो भी घटनाएं थी उनके बारे में बात कर लिए हम लोग। अब 2021 का अंतिम महीना कौन बचता है? दिसंबर। इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। किसके? दिसंबर महीने की। ऐसे भी पूछे जाते हैं, ऐसे भी फटाफट क्या करते हैं, दिसंबर दिसंबर 2021 दिसंबर 2021 ठीक है, करंट अफेयर से मध्य प्रदेश का एमपी स्पेशल एक तरह से। इसमें क्या कहे जा रहे हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन की बात हो गई है। योग आयोग, इसके बारे में याद रखना है। एमपी में मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। योग की शिक्षा का कार्य अभी यान के रूप में चलेगा। इसके साथ ही योग विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ और अनुभवी योगाचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। खेल विभाग की गतिविधियों से भी में भी योग को शामिल किया जाएगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए योग करते रहा करिएगा, इससे काफ़ी फायदा होता है। लेकिन आजकल आप देखिए मान्यता ऐसी हो गई कि योग का जैसे आविष्कार बाबा रामदेव को मान लिया गया। ये हमारे देश में हजारों साल से चला आ रहा है। आपकी सरकार आपके आपके साथ अभियान, इससे पहले भी बात आ चुका हूँ इसके बारे में। सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन की सभी हित धारक मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और यह अभियान आपका 26 जनवरी 2022 तक लगातार जारी रहेगा। अभियान के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के शेष कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 2017 आप देखेंगे 2017 के शेष 6 अखिल भारतीय और 6 प्रादेशिक कीर्ति पुरस्कार की घोषणा संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद ने की है। अखिल भारतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपये और प्रादेशिक पुरस्कार में 51,000 रुपये सम्मानित राशि है। और 6 अखिल भारतीय पुरस्कारों की बात करें तो आत्मकथा जीवन श्रेणी में विष्णु प्रभाकर पुरस्कार ये श्री संदीप देव को, ये बनारस के हैं, को रचना हमारे श्री गुरुजी हेतु। संस्मरण श्रेणी में आप देखेंगे निर्मला वर्मा पुरस्कार, और ये आप देखेंगे श्री संतोष तिवारी खंडवा को रचना है उनकी रिश्ते मन से मन के हेतु दिया गया है। और रेखा चित्रा श्रेणी में महादेव वर्मा पुरस्कार श्री संजय सिन्हा को दिल्ली के हैं, इनको सुक्रिया हेतु। यात्रा वितान श्रेणी में और प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार, ये आप देखेंगे कि श्री विनोद बब्बर गाजियाबाद को भागीरथ के देश में हेतु दिया गया। अनुवाद श्रेणी में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार श्री अमरनाथ श्रीवास्तव को दिल्ली को
को इनके कारगिल की परमवीर हेतु फेसबुक ब्लॉग नेट श्रेणी में नारद मुनि पुरस्कार श्री सुरेश चेवलुकर उज्जैन को उनके पेज ब्लॉग फेसबुक हेतु दिया गया है। और 6 प्रादेशिक पुरस्कारों की बात करें तो संवाद पटकथा लेखन श्रेणी में नरेश मेहता पुरस्कार श्री अयोध्या प्रसाद सोनी को भोपाल के हैं, इन्हें खाली पिंजरा और हिंदुस्तानी का पाठ हेतु दिया गया। लघु कथा श्रेणी में जैनेन्द्र कुमार जैन पुरस्कार श्री घनश्याम मिथिल अमृत भोपाल को दिया गया, एक लोहार की हेतु के लिए। एकांकी श्रेणी में सेठ गोविंद दास पुरस्कार श्री अरविंद शर्मा को भोपाल के हैं, सपना सच हो गया हेतु दिया गया। ब्रंग श्रेणी में शरद जोशी पुरस्कार श्री मुकेश जोशी उज्जैन के हैं, आज और ऑल इज वेल हेतु दिया गया है। गीत श्रेणी में बीरेन सिंह पुरस्कार श्री छोटेलाल पांडे सतना को दिया गया है। वीरव्रती आजाद गजल श्रेणी में इन्हें वीरव्रती आजाद में, और गजल श्रेणी में दुष्यंत कुमार पुरस्कार श्री मनीष जैन रोशन ग्वालियर को रंग खुशबू हेतु प्रदान किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू, ये क्या है, एमपी में लागू हो चुका है। ये आप देखेंगे अधिसूचना के प्रावधान प्राविधान में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए यह एक्ट लागू किया जा रहा है। राज्य में निवास कर रहे वनवासी जिनके दिसंबर 2006 से पूर्व वन अधिकार के कब्जे अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाएगा। इस हेतु राज्य में फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। कोई भी जनजाति अब अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, और जिन जनजातीय लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं, उन्हें आवास बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी जनजातीय बंधु बिना जमीन या मकान के नहीं रहेगा। इस हेतु सरकार मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू कर रही है। और आप देखिए, सबसे ज्यादा जनजाति है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत उद्योग लाने के लिए युवाओं को 50 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। इस श्रेणी में बैंकों को गारंटी भी सरकार देगी, ब्याज पर 3% सब्सिडी भी दी जाएगी। आकांक्षा योजना के तहत आईआईटी मेडिकल और लॉ में चयनित होने वाले बच्चों की फीस माफ की जाएगी। जबलपुर भोपाल इंदौर में जनजातीय विद्यार्थियों की काउंसिल के लिए केंद्र खोले जाएंगे। ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा योजना के को 5 वर्षों हेतु 75 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की बात हो गई है। कैंपा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 285 करोड़ रुपए की स्वीकृति का अनुमोदन भी किया गया है। अब आप देखिए कैन बेतवा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैन ये आप देखिए बहुत समय से पेंड में पड़ी हुई थी, पेंडिंग में, बेतवा परियोजना लिंक परियोजना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की लिंक परियोजना, लिंग नहीं परियोजना, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की क्या है, संभावना भी रहेगी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 22 मार्च 2021 को कैन बेतवा परियोजना को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। यह समझौता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दृष्टिकोण को लागू करने के लिए अंतर राज्य सहयोग की शुरुआत के लिए किया गया था। यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवेक्ष्य योजना की पहली महत्वाकांक्षी योजना परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की कैन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। और परियोजना की लागत आप देखेंगे 44,605 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना सागर दमोह दतिया विदिशा शिवपुरी रायसेन और आप देखेंगे आपका निवाड़ी लाभान्वित होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा झांसी और ललितपुर जिलों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लागू होने से बुंदेलखंड के क्षेत्र सूखे की स्थिति में कमी, बिजली उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्थान, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और जैव विविधता का जीर्णोद्धार इत्यादि होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखें केंद्र सरकार राजनीतिक मतभेदों को पृथक रखकर यह निर्णय लिया है कि और सरकार ने इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्यावरणीय घटकों को भी ध्यान में रखा है, जिससे वन संपदा को किसी प्रकार की क्षति ना हो। दतिया में एजुकेशन हब बनेगा, पहले भी बात कर चुके हैं। दतिया में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, वेटरनरी, फिशरीज कॉलेज के साथ ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हुआ है। इसी के साथ 7 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय का भवन बनेगा। लाला की ताल पर स्थित बोट क्लब में नौकायन बोटिंग भी आरंभ होगी। राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह, क्या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, ये आप देखेंगे 14 दिसंबर से और 21 दिसंबर तक, 21 दिसंबर तक, ये आप देखेंगे दिसंबर तक समूचे भोपाल क्षेत्र और ग्वालियर क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत कंपनी के तत्वाधान में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया है। इसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपाय ऐप के संबंध में चित्र उकेरने गए। इस तरह से आप देखिए आपका 2021 का मुझे लगता है करंट अफेयर्स कवर हो गया है। इन सभी क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा, और अब जो आपका 2022 का करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक। और आप लोग पढ़ते रहिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही रहेंगे।